हाँ जी बाबा, अंत में जो फाइनल पेपर होगा, जो माया सभी को भरमाएगी, तो सभी का फाइनल पेपर होगा या जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनका होगा, प्रजावर्ग का थोड़ा ही होगा। जो प्रजा में आने वाले हैं वो पढ़ाई पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते। बाबा 2018 तक 4.5 लाख आत्माएं माउंट आबू में इकट्ठा हो जाएगी। कब? 2018 तक। 2018 तक इकट्ठी हो जाएंगी। 2018 तक कितनी आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी? 8 की ही प्रत्यक्षता होगी कि सबकी होगी? है 8 की होगी। तो जिन्हें अपने पार्ट की, अपने नंबर की प्रत्यक्षता होती जाएगी, वो ऊंची स्टेज में जाएंगे। है बोलो। गायन है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। उसका राज क्या है? है? तीर्थ माने क्या है? किनारा लगना, ठिकाने लगना। तो तीर्थ यात्राएं तो करते हैं, बुद्धि ठिकाने लगती है नहीं लगती है? और चैतन्य गंगा और चैतन्य ज्ञान सागर का जब मेला होता है तो सबकी बुद्धि ठिकाने लग जाती है। इसलिए गाया हुआ है और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार है। आत्मिक स्थिति की रूपरेखा क्या है? उसका अभ्यास और अनुभव कैसे करें? आत्मा का रूप क्या है? स्टार, ज्योतिबिंदु, तो ज्योतिबिंदु को याद करना है तो उसका ठिकाना भी तो चाहिए। कहां याद करें? नाक के ऊपर याद करें, कान के ऊपर याद करें, कहां याद करें? क्यों है? है ये बात पक्की बुद्धि में बैठे कि भ्रकुटी के मध्य में गोली मारी जाए
तो तुरंत मर जाता है, और छाती में गोली मारी जाए जैसे इंदिरा गांधी को तो कितने हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते रहे, उनको आशा बनी रही जिंदा होने की। मारने वाले को पता होता तो भ्रुकुटी में सीधे ही एक गोली चला देता। तो ये पक्का प्रूफ है कि भ्रुकुटी के मध्य में ही आत्मा निवास करती है। जैसे राजा मंत्रियों महामंत्रियों सेनापति के बीच में बैठता है, ऐसे ही शरीर का राजा आत्मा है बिंदु, वो कहां बैठेगा है, निम्नांग में बैठेगा या उत्तमांग में बैठेगा? जो अंगों में उत्तम से उत्तम अंग है उस उत्तम अंग में भी जो भ्रकुटी का मध्य है वहां बैठते हैं, सारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो ये स्थिति का मतलब ही है स्थान से कनेक्शन है। स्थान का पता लग जाए कि आत्मा का असली स्थान कहां पर है, पक्का निश्चय बैठ जाए तो वहीं पर आत्मा याद आनी चाहिए। रूप भी पता लग गया, उसके स्थान का भी पता लग गया, फिर अभ्यास की बात रह जाती है। बार बार भूलेगा और बार बार याद किया जाए। क्यों भूलेगा? क्योंकि 63 जन्म नहीं 84 जन्म से ये प्रैक्टिस पड़ी हुई है देह की इंद्रियों के द्वारा सुख लेने की। तो देह ही याद आती है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। देह से परे जो ज्योति बिंदु आत्मा है उस आत्मा को याद करना है। बार बार याद करेंगे तब ही अनुभव होगा। हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। ऐसे नहीं 2, 4, 8, 10 बार याद कर लिया, नहीं याद आया तो छोड़ दिया। छोड़ते तब है जब ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह बैठता नहीं है। जब निश्चयात्मक बुद्धि से पता लग गया कि आत्मा ज्योति बिंदु है रूप से, और उसका स्थान स्थिति जहां टीका लगाते हैं, जहां आत्मा टिकी हुई है वहां टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और ब्राइड ग्रूम और वधू का संबंध कैसा बनता है? अरे ब्राइड माने है, ब्राइड माने क्या, और ब्राइड ग्रूम माने क्या है? ब्राइड ग्रूम माने वर,
दूल्हा, और ब्राइड माने दूल्हे, पति पत्नी का संबंध है कैसा संबंध बनता है, ऐसा संबंध बनता है कि मृत्यु पर्यंत तक याद आता है। तो प्यारा संबंध है और संबंधों के मुकाबले यह कम प्यारा है, है जास्ती प्यारा है, क्योंकि उसमें देहभान का आधार भरा हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का भाग है तो प्रशांत महासागर में जुड़ जाएगा कि नहीं? अरे जो जहां से आया है वहां वापस जाएगा या नहीं? जाएगा। कब जाएगा ये बात नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित है कि जो जहां से आया है वहां वापस जरूर जाएगा। तो पृथ्वी से हिस्सा अलग हुआ और पृथ्वी में ही जुड़ जाएगा। पृथ्वी का वो बड़ा भाग प्रशांत महासागर है, और सागर छोटे छोटे हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो उसमें समा जाएगा। 12वीं शताब्दी में कुंडलनी योग लगाकर शरीर छोड़ते थे, सच्ची बात है या झूठी? ये कुंडलनी कोई चीज होती नहीं है, जो असली शक्ति है स्त्री पुरुष में, जो काम विकार के कारण छीण होती रहती है, उसी के लिए उन विद्वान आचार्यों ने समझ लिया है कि काम इंद्रियों के नजदीकी स्थान पर वो कुंडलनी शक्ति सोई पड़ी है, जो ऊर्ध रेता बनती है तो सहस्त्रासार मस्तक में पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये तो मनुष्य की रजवीरी की शक्ति है, जो मन बुद्धि के एकाग्र होने से आत्मा की ओर दौड़ती है। आत्मा को स्थिरियम बनाती है, और आत्मा जब परिपूर्ण रूप से स्थिरियम बन जाती है उसी को उन्होंने कुंडलिनी योग शक्ति बता दिया है।
बाकी आज तक किसी का कुंडलनी योग जागृत नहीं हुआ। ये तो ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए भगवान बाप को ही आना पड़ता है सृष्टि पर। वो ही मन बुद्धि को एकाग्र करना सिखाता है। मनुष्य मनुष्य को योग सिखा ही नहीं सकता। क्योंकि सभी मनुष्य मात्र नीचे जाने के अभ्यासी हैं, ऊपर चढ़ने के अभ्यासी नहीं हैं। 84 जन्मों में भी वो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे कोई भी हो, सब पतित होते रहते हैं, सब नीचे गिरते हैं। ऊंचा उठाने वाला एक ही शिव बाबा है जो हमारी आत्मा को, जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, उसे ऊंचा उठाता है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, पहले ही किया कि अभी भी कर रहे हैं? है? है? अरे पहले ही किया था कि अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। राजस्वाश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए राजस्व, अश्वमेध, अश्व माने मनरूपी घोड़े को शांत करने का, मारने का यज्ञ। ये मनरूपी घोड़ा बहुत मनमानी करता है, इसको कंट्रोल करने का यज्ञ है। तो जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में ब्राह्मण भोजन करते हैं। क्या करते हैं? है? ब्राह्मण भोजन करते हैं। हद के भोजन की बात होगी या बेहद के भोजन की बात होगी? भोजन के बाद झूठी पत्तल उठाने का कार्य, पूरी साफ सफाई करने का काम स्वयं भगवान ने किया। इसका बेहद में अर्थ क्या है? उधर श्री कृष्ण के लिए ऐसे दिखाया है और शंकर के लिए कैसे दिखाया है? कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में आखिरी आहुति किसकी होती है? है? शंकर की होती है। इसका मतलब कि जो शंकर भगवान है वो ही कृष्ण भगवान है। दुनिया की जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, 84 जन्मों में भोग भोग लेती हैं। भोग भोगने के बाद अंतिम भोग किसका लगता है? तो वो झूठन खाता है, झूठन उठाता है,
या सुच्चा सुच्चा खाता है, झूठन उठाता है। बाबा भी मुरली में बोल देते हैं, बाबा को तो इस आखिरी जन्म में सड़ी सड़ाई सजनियां मिलती हैं। तो झूठन हुई ना, क्या दिखा है? पांडवों के घर में राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों ने भोजन किया, झूठे पत्तों में जो अनाज कण थे वो कण सुक मुनि ने पक्षी का रूप धारण करके प्यार से खाया। उस समय स्वर्ग में क्या लिखा है, एक सरी का घंटा बजने लगा। सरी का क्या है? कंटिन्यू है, एक सरी का घंटा बजने लगा। ये सुकुमुनि कौन है? वो एक ही बात को अनेक अनेक रूपों में दिखा दिया है। सुख पक्षी किसको कहते हैं? पोपट को, तोते को। कोई कथा आई है अमर कथा में? ऐसी कोई कथा आई है जब अमर कथा सुनाते हैं तो कबूतर भी सुनता है और तोता भी सुनता है? तो जो तोता सुनता है वो सारी कथा सुनता है या थोड़ी सुनता है? थोड़ी कथा सुनता है, और जितनी भी सुनता है वो चारों तरफ टियो टियो करके जाके सुना देता है। और कबूतर, कबूतर के गले में ही सारी आवाज गुड़ कूं कूं करके रह जाती है, आवाज बाहर नहीं आती है। माने भगवान बाप आया हुआ है ये प्रत्यक्षता कबूतर करते हैं, शिवलिंग के ऊपर गंध करने वाले, मंदिर में रहने वाले, पलने वाले, या तोते करते हैं? तोते करते हैं। तो उन तोतों में कोई तोता का नाम आ गया सुकमुनि। वो तोता कौन हुआ? अरे कबूतर भी ढेर हैं तो तोते भी ढेर हैं, वो पहला तोता कौन? है प्रजापिता। उसी के लिए गायन आया कि राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों ने भोग लगाए, भोजन किया, भोजन करने के बाद जो कणा दाना बचा सो एक एक पत्तल में से उठा उठा के किसने खा लिया? उस तोते ने, मुनि ने खा लिया। ऐसी बात देख करके स्वर्ग में लगातार घंटे बजने लगे। देवताएं बड़ी खुशी मनाते हैं, आ आ। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसे मारने की कोशिश की।
श्री कृष्ण को सहन नहीं हुआ, उन्होंने गर्भ में बच्चे की सुरक्षा की, पांडवों को माध्यम बना के अश्वत्थामा के मामस्तक पर जो दिव्य मणि थी वो निकाल ली और श्राप दे दिया, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या वो अभिशप्त अश्वत्थामा अभी जीवित है? अश्वत्थामा भगवान को गुरु मानता था, बड़ा मानता था, या देहधारी को बड़ा मानता था? भगवान को मानता था। वो अपने बाप को ही गुरु मानता था, बाप के प्रति समर्पित था। भगवान को पहचानता तो कौरवों की तरफ क्यों जाता? यही राज है कि जो और धर्म के होते हैं वो देहधारी गुरुओं को पकड़ लेते हैं। कोई क्राइस्ट को पकड़ेंगे, कोई बौद्ध को पकड़ेंगे, कोई शंकराचार्य को पकड़ेंगे, कोई गुरु नानक को पकड़ेंगे, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाते। उनके जो धर्म पिताएं हैं जिनको वो भगवान के रूप में समझ लेते हैं वो आत्म की स्थिति में तो पक्के होते हैं, और उनके फॉलोअर्स अश्वत्थामा अश्व माने आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा, और थामा माने थाम लेते हैं, आत्मिक स्थिति में पक्के होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये आखिर में अभिशाप मिल जाता है कि वो जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। इसी दुनिया में, नार की दुनिया में भटकते रहते हैं। यहां कोई ऐसी प्रथा है महाराष्ट्र में कि सुहागिन स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो हल्दी कुमकुम लगाते हैं और विधवा स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो रुपया लगाया जाता है, है? माने जो सुहागन होती है वो अच्छी मानी जाती है और जो विधवा है वो विधवा को उतना ज्यादा रिगार्ड नहीं रहता है, क्योंकि उसका धनी धोरी पहले ही चला गया। तो जिसका धनी धोरी चला जाए उसकी परवरिश करने वाले फिर सहजी मिलते हैं या कठिनाई से मिलते हैं? कठिनाई से मिलते हैं। जब तक धनी धोरी है तो रुपया पैसा देगा घर खर्च के लिए, और धनी धोरी ही नहीं रहा तो जीवन यापन करने की कठिनाई हो जाती है। इसलिए ये प्रथा बनी हुई है कि जब सुहागन स्त्री शरीर छोड़ती है तो शुभ सूचक जो कुमकुम और हल्दी है
वो लगाते हैं, और विधवा शरीर छोड़ती है तो उसे रुपया दे देते हैं। वो भी ज्यादा देंगे क्या, एक एक दो दे देंगे। बाबा लिंगायत धर्म को लिंग दिखाते हैं, बाकी धर्म वालों के लिए लिंग नहीं दिखाते। यानी लिंगायत धर्म वाले ही लिंग पहनते हैं, बाकी धर्म वाले लिंग क्यों नहीं पहनते? शिव के नजदीक है लिंगायत वाले, शिव उपासक है, शिव के नजदीक है। जब आदमी बहुत नजदीक पहुंचता है तो प्रैक्टिकल में क्या करता है? कोई दूर रहा, मान लो बच्चा बिछुड़ गया, भाई बिछुड़ गया, खो गया, और बहुत वर्षों के बाद मिला तो क्या करते हैं? है? मिलेंगे, बाकी पहनेंगे, गले लटक जाएंगे। माने ये साबित करते हैं कि हम दोनों बहुत एक दूसरे के नजदीक हैं। तो ये जो लिंगायत संप्रदाय वाले हैं, वो जो लिंग पहनते हैं हर समय, वो क्या दिखाना चाहते हैं? है? हाँ, कि हम बहुत नजदीक हैं शिव के, हमारा तन मन धन धाम सुहद परिवार समय संपर्क सब किसके साथ लगा हुआ है? शिव के साथ लगा हुआ है। शिव बिंदी के साथ नहीं, विधर्मी धर्म पिताओं के या विधर्मियों विदेशियों की तरह। वो बिंदु निराकार साकार में आता है तो प्रैक्टिकल में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। कहते ना गले पड़ गया। शिव बाबा जितना लिंगायत वालों के गले पड़ जाता है, इतना और कोई के गले नहीं पड़ता। बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि जो यज्ञ में सच्चाई से दिल से सेवा करेंगे तो उनको मन इच्छित फल मिल जाएगा। इसका वेद में क्या अर्थ है? है? अरे सच्चाई से दिल से यज्ञ में सेवा करेंगे। शिव बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? शिव बाबा की बच्चों से क्या आस है? है? अरे शिव बाबा का धंधा क्या है? है? ईश्वरीय सेवा, सृष्टि की सेवा करने के लिए शिव आता है, सृष्टि का कल्याण करने के लिए। उस कल्याणकारी धंधे में जो बच्चे सहयोगी बनते हैं तो वो सहयोग कोई तो ऐसे करते हैं जैसे कि बड़ी भारी मुसीबत आ गई, कोई दिखावा के तौर पर करते हैं, कोई सहज सहज करते हैं, कोई दिल की सच्चाई से करते हैं। तो जो दिल की सच्चाई से सफाई से यज्ञ की सेवा करते हैं उनको जन्म जन्मांतर के लिए जो भी इच्छाएं होती हैं मन के अंदर वो सारी पूरी होती रहती है। जो तन से पवित्र है
मन से पवित्र नहीं है। इसका बेहद में अर्थ क्या है, हद में क्या अर्थ है? सन्यासी क्या करते हैं? घर बार तो छोड़ देते हैं, तन से सो पवित्र हो गए, लेकिन मन पवित्र हो जाता है क्या? विकारों से मन हट जाता है घर छोड़ने से? नहीं छूटता। तो ये तो उनका हद का अर्थ है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के सन्यासी हैं या नहीं हैं? कौन है? है? अरे बेहद के सन्यासी कौन है? है? अरे ये बता दिया, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं, लेकिन कौन है? है? अरे वो ब्रह्मा कुमारियां जिनको पति मिला ही नहीं, उनको घर ग्रस्त है? है? नहीं है। तो वो सन्यासी बेहद के हैं या नहीं है? हैं तो, लेकिन घर बार और जरूर छोड़ दिया, संबंध जरूर त्याग दिया पति पत्नी का, लेकिन क्या याद नहीं आता है? 63 जन्मों की जो रग मिले लगी हुई है विकारों की, वो रग खत्म हो गई क्या? है? नहीं खत्म हो जाती। ये बेहद का अर्थ है। अगला प्रश्न, जो तन से पवित्र नहीं है, क्या तन से पवित्र नहीं है, घर गृहस्थ के कीचड़ में रहे पड़े हैं, लेकिन मन से इरादा है पक्का कि हम पवित्र बनकर के ही छोड़ेंगे, तो मन पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। इसका क्या बेहद का अर्थ है? ये कौन है? है? एडवांस वाले हैं, घर गृहस्थ की कीचड़ में रहे पड़े हैं, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पहलागी है, तन कहीं न कहीं अपवित्रता के कीचड़ में फंस जाता है। तो तन से तो पवित्र नहीं है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि हम इसी जीवन में विकारों पर जीत पाके दिखाएंगे। मन पवित्र है तो बेहद के सन्यासी ये हैं या वो हैं? ये हैं बेहद के सन्यासी। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? भगवान को जन्म देने वाले को वसुदेव क्यों कहा जाता है? कहा जाता कि नहीं है? तो क्या भगवान को वसुदेव जन्म देता है? हाँ? वसुमाने धन संपत्ति,
और देव माने देने वाला, तो वेद की ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन है? शिव बाबा है, वसुदेव। वो वसुदेव शिव बाबा इस नारकीय दुनिया में आना चाहता है या आना पड़ता है? हैं? आना पड़ता है। पतित तन में आना पड़ता है या उसकी दिली इच्छा है कि मैं आ जाऊं? आना पड़ता है। तो जेल में है या खुला पंछी है? जेल में है। तो दिखाते हैं शास्त्रों में कि जेल में वसुदेव पड़े थे और उनको ये काम मिल गया भगवान को जन्म देने का। माने भगवान को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने का काम किसको मिला? वसुदेव को मिला। तो ऐसे ही वसुंधरा, क्या धरा है? वसु, वसु माने धन संपत्ति। जिसने धन संपत्ति को धारण कर लिया उसका नाम पड़ा वसुंधरा। क्यों? सूर्य ने नहीं धारण कर लिया, सितारों ने नहीं धारण कर लिया, अरे चंद्रमा ने नहीं धारण कर लिया, पृथ्वी का ही नाम वसुंधरा क्यों पड़ा? है? क्योंकि धारणा शक्ति किसमें होती है? धरणी में ही होती है, औरों में धारणा शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसका नाम वसुंधरा है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अंगूठा काट करके गुण दक्षिणा में क्यों मांग लिया? इसका बेहद का मतलब क्या है? वार्तालाप का क्लास चलाने का एक नया तरीका बढ़िया निकाल लिया। टीवी देखते जाओ, वार्तालाप को लंबा लंबा करते जाओ। द्रोणाचार्य का अर्थ क्या है? है द्रोण माने घड़ा और आचार्य माने आचार्य। आचरण करने वाला, काय का घड़ा? कौन सा घड़ा? ये ही बुद्ध रूपी घड़ा। जिनका बुद्ध रूपी घड़ा विशाल है, वो देहधारी गुरु जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य और बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, किसको पढ़ाते थे? ये गुरु लोग जो हैं उनका ध्यान गरीबों की ओर जाता है या साहूकारों के ऊपर नजर जाती है? साहूकारों के ऊपर उनकी नजर जाती है।
राजा रजवाड़ों की तरफ उनकी नजर जाती है। तो जो कौरव थे राजे रजवाड़े थे, उन राजे रजवाड़ों के गुरु थे, उनको गरीबों से प्यार होगा या गरीब आगे बढ़ेंगे तो उनको ईर्ष्या पैदा होगी, उनको ईर्ष्या पैदा होती है। तो जिस एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पढ़ाई पढ़ाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, वही एकलव्य है। अपनी लगन के आधार पर, अपनी भावना के आधार पर पांडवों और कौरवों से भी तीखा चला गया ज्ञान बाण चलाने में। और ये बात जब गुरु ने देखी तो उनको ईर्ष्या पैदा हो गई। तो युक्ति निकाली, क्या युक्ति निकाली, उससे पूछा कि ये तुमने कहां से सीखा, मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया, जरूर तुमने चुपके चुपके चोरी की होगी। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं, हमारा ज्ञान चुरा लिया, चुराया है। तो क्या ज्ञान चुराया है, हैं? चुराया तो नहीं है कि हमारी मुरलियों का ज्ञान हमारी मुरलियां चुरा ली। अब ऐसी बात तो नहीं है, तो अपना अपना अभ्यास की बात है। तो जब गुरु ने ये देखा कि वो आगे बढ़ गया तो युक्ति निकाली, इससे गुरु दक्षिणा मांगो, क्योंकि है तो ये भावना वाला आदमी, जरूर गुरु दक्षिणा देगा। तो कहा अपना अंगूठा काट के हमें दे दो। अब अंगूठा कट जाएगा तो बाण चला पाएगा, फिर तो बाण ही नहीं चला सकता। अंगूठे का बेहद का अर्थ क्या है शास्त्रों में, आत्मा अंगुष्ठाकार मानते हैं शास्त्रों में। आत्मा का आकार क्या है, अंगुष्ठा। जैसे समझते हैं शिवलिंग तो बड़ा है और शालिग्राम आत्मा अंगूठे के आकार वाली है, ऐसे ही मानते हैं ना। तो बेहद का अंगूठा अर्थात मन बुद्धि रूपी आत्मा समर्पण करा ली, बुद्धिहीन बना दिया। तो जो बाण चलाने की शक्ति है वो सब खलास हो जाती है। बाबा ने बोला है शेर जो होता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, परंतु शेरनी के आगे जाकर के पूंछ हिलाता है। इसका क्या मतलब है? इसका वो ही मतलब है जैसे कबूतर पावरफुल होता है और कबूतरी थोड़ी कमजोर होती है। कोई भी जनरेशन में पुरुष पावरफुल होता है और फीमेल कमजोर होती है, लेकिन कबूतर कबूतरी के चक्कर काटता है, डांस करता है उसके आगे पीछे। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन बता दिए बाबा ने, तो पुरुष राक्षस हो गए ना।
तो जो भी पुरुष है वो स्त्री के आगे पीछे चक्कर काटते रहते। बाबा ने बोला है प्रजावर्ग की आत्मा पवित्रता का श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं करेगी, तो बाबा कौन सी पवित्रता की बात है? अरे जो ज्ञान में आ जाते हैं उनसे कौन सी पवित्रता का पालन करने के लिए बाबा आशा करते हैं? है मन बुद्धि की पवित्रता और इंद्रियों की पवित्रता नहीं है? इंद्रियों की भी पवित्रता, मन बुद्धि की भी पवित्रता, तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता और धन की भी पवित्रता। धन इधर उधर कहीं बर्बाद न हो, कहां जाए? ईश्वरीय सेवा में जाए। तो एक तरफ लगे ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, एवर प्योर है शिव बाबा। शिव बाबा के अर्थ लगेगा तो 21 जन्म का बनेगा और सब तो इम्प्योर हैं, उनके अर्थ लगेगा तो उसका वो फल है एक गुना ही मिलेगा, अनेक गुना नहीं मिल सकता। तो जो आत्माएं ज्ञान में आती हैं, जिनको संदेश मिलता है, उनमें थोड़ी सी आत्माएं निकलती हैं संदेश लेने वालों में से, जो ऐसी पवित्रता का पालन करती हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उसके लिए पढ़ाई पड़ती है कि ऐसी पवित्रता हम जीवन में कैसे धारण कर सकें। बाकी बहुत सी तो हिम्मत ही नहीं कर पाती कि हम तन मन धन समय संपर्क संबंध सब एक की सेवा में लगाएंगे। तो ये पवित्रता की बात है। एक में अर्पण करना माने शिवालय बनाना। वैश्या क्या करती है? वो अपने तन की जो ताकत है, अपने तन का सौंदर्य है, एक के प्रति निछावर करती है या अनेकों के प्रति अर्पण करती है? अनेकों के प्रति अर्पण, जो आया सोई ले जाओ। तो ये तो घोर अपवित्रता हो गई। बाबा तुम बच्चे 2018 से 2028 तक 10 वर्ष तक 10 वर्ष में तमो प्रधान से सतो प्रधान होते हो। हाँ जी हाँ। तो पूछो कुछ। तो 1936 से जो एक ही चल रहा है, है। अभी 2010 चल रहा है, यानी इतने वर्ष तक। तुम बच्चे जिन बच्चों से बात करते हैं बाबा, जिनको तुम बच्चे कहते हैं, वो बच्चे बाबा से पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, राजयोग सीखने वाले हैं या प्रजावर्ग के हैं? यही बात है। तो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं उनके लिए ये टाइम है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। बाकी प्रजावर्ग की आत्माएं सतो प्रधान नहीं बनेगी क्या? ऐसे ही परमधाम वापस चली जाएंगी? वो भी बनेंगी, लेकिन जब उनके राजा बनेंगे तब उनकी प्रजा पवित्र बनेगी।
पहले राजा तैयार होगा या प्रजा तैयार होगी? पहले राजाएं तैयार होगी। तो राजघराने की जो आत्माएं हैं उनको तैयार होने का जो टाइम है वो 10 साल का है। नंबर वार है ना, फर्स्ट क्लास है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के तैयार होने का भी टाइम है। फिर अव्वल नंबर में है आठ, आठ के भी तैयार होने का टाइम है। फिर है बारह, फिर है चौबीस, फिर नंबर बारह और धर्म की आत्मा है। टोटल है 108, उनका अपना टाइम। तो जो नंबर वार हैं वो नंबर वार ही प्रत्यक्ष होते हैं, फिर उनको उनकी प्रजा फॉलो करती है, वो भी नंबर वार। एक जैसी प्रजा नहीं है हर धर्म में हर राज्य में। दत्तात्रेय को सती अनसुईया का पुत्र कहा जाता है। तो यहां वेद में दत्तात्रेय तो ब्रह्मा बाबा को बोला है और सती अनसुईया काशी नगरी को बोला है, लेकिन आदि में ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का जन्म यानी साक्षात्कारों की बातों पर पक्का निश्चय बिठाने के निमित्त छोटी मां बनती है। तो यहां सती अनुसुईया अथवा काशी नगरी का पुत्र दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा बाबा कैसे, ये बात वेद में कैसे लागू होती है? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम, तो पहले पहले किस तन में प्रवेश करता हूं? है पहले पहले किस तन में प्रवेश होकर ज्ञान सुनाता हूं? प्रवेश किस लिए करता हूं, ज्ञान सुनाने के लिए या भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए? तो पहले पहले किस में प्रवेश करता हूं? है प्रजापिता में। तो पहला पहला ब्रह्मा कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो यज्ञ में आदि में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है या अंत में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है? अंत समय का गायन है या आदि का गायन है? अंत समय का गायन है। जैसे बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो प्रजापिता जो है वो दत्तात्रेय भी है। असली रूप में तो सारी दुनिया के सामने दत्तात्रेय ब्रह्मा बाबा ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है वो देखने के रूप में आ जाता है सबके सामने, दिखावे में। दत्तात्रेय का मुख्य गुण क्या है? है सबसे गुण ग्रहण करना। ये गुण ग्रहण करने की जो वृत्ति है वो मूल रूप में देवताओं की है या भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाले की है? है देवताओं की वृत्ति है। गुण ग्रहण करते हैं, गुण धारण करते हैं। उन ग्रहण करने वालों में ब्रह्मा बाबा
प्रैक्टिकल में फर्स्ट है, लेकिन गुण भी आते कहां से हैं? देवताओं में जो गुण आते हैं वो किस आधार पर आते हैं? निर्भय रहने का गुण है, गुण है या नहीं है? है। वो निर्भय होने का जो गुण है वो आत्म की स्थिति पक्की हो जाएगी तब आगे आवेगा या पहले ही आ जाएगा? आत्म की स्थिति पक्की होगी तो निर्भय होने का गुण आवेगा।